हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाज खबर एनडीटीवी न्यूज। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होंगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट, चलिए देखते हैं वीडियो। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आज के लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे साथी श्री कृष्ण पाल जी के नाम पर अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, नयाद की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री कैलाश चौधरी जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में मेरी सहयोगी सुश्री शोभा कामरा जी के नाम के सम्मुख मत संख्या 4 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे मंत्रालय में साथी राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी के नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 6, डॉक्टर एल मुरुगन जी। आजादी माफी मांगो। आप इधर जाइए। आइटम नंबर 7, श्री निशित प्रमाणिक जी। अरे भैया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्री गिरीश चंद्र जी। गिरीश चंद्र जी, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति 2022-23 के 102 में से 105 का प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा जी, आइटम नंबर 9। नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 29वां, 30वां एवं 31वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 10, श्रीमती रमा देवी जी। राहुल गांधी, माफी मांगो। आइटम नंबर 10, ए श्री प्रहलाद जोशी जी, मंत्री जी। सर, आई राइज टू प्रेजेंट द 41st रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी।
आइटम नंबर 11 से प्रहलाद जोशी जी। सर आई राइज टू मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस टू एग्री विथ द 40th रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन 13th मार्च 2023। प्रश्न ये है कि यह सभा कार्य मंत्रालय समिति द्वारा दिनांक 13 मार्च 2023 को सभा में प्रस्तुत 40वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों में के अधीन उठाने अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत ही व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख गए। तो हमारे आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं और आपको ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल समाचार की खबर हिंदी टीवी न्यूज के साथ जुड़े रहें। तब तक ले जय हिंद।